क्या हो सकता ना, सभी मेहनत कर ले। अब देख जनता कैसे कर ले, हमने कन्विंस ना कर पा लिए अब जनता के देश लगे, जन दिन हमने जनता के कन्विंस कर ले भाई, नो डाउट हमने पक्ष में थे। तो अगर मैं हमने के स्तर से अपन स्तर से जो भी हमने त्रुटि रहा है अगला के स्वीकार करे की आवश्यकता है, हार के नैतिक जिम्मेवारी लिए की आवश्यकता है, और अगला आने वाला चुनाव के हमने मजबूती के साथ कैसे लड़वाए एकर में हमने के चर्चा करना है। साथ ही साथ हम चाहे जितना भी हमने के, चूंकि ज्यादातर नौजवान सब है तो सोशल मीडिया में दो चार जन काफी कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा जगह में किसी जाति विशेष के लेके समुदाय विशेष के लेके टिप्पणी भी हुआ है, तो हम चाहे सबसे पहला बात हम प्रत्याशी और केंद्र अध्यक्ष के साथ साथ हम इस बात के हम माफी चाहे जब भी अगर कोकरो सोशल मीडिया में अगर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोकरो माध्यम से अगर ठेस पहुंचल है तो कहते हैं हमने सार्वजनिक मंच में तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम हजारों लोग के उपस्थिति में हरेक समुदाय के लोग हमने क्षमा चाहे, और साथ ही साथ हम हिदायत देवे अगर हमने संगठन के लगाए तो बिल्कुल ब्याज देख ले। सोशल मीडिया में हमारा अच्छा फॉलोअर है चाहे वाला है, लेकिन आज तक दो साल में हम कोकरो टिप्पणी नहीं कर लिए, जब भी कर लिए अपन पॉजिटिव बात रखा लिया, जब भी कर लिया अपन वीडियो के लाइव कर लिए, जे भी कर लिया आज तक किसी नेता के लेके ना कोई नेता के कार्यकर्ता के लेके। तो जब तो केंद्र अध्यक्ष दो साल से ककरो प्रति सोशल मीडिया में हमने कुछ नहीं रखवा लिया, ओकर से पहले भी हमने 2016-14 से फेसबुक चलवाई, आज तक हमने ककरो पे टिका टिप्पणी नहीं कर लिए, राजनीतिक टिका टिप्पणी भी नहीं कर लिए, जब भी कर ले तो बैलेंस करके बात कर लिए। तो इसलिए हम तमाम अगर हमने एक समर्थक लगा तो काम ग्राउंड में करा, सोशल मीडिया में आलोचना करे का कोई आवश्यकता ना है, तो उन्हें से हिदायत देवो, और ओकर बाद भी कोई अगर ऐसा लिखो तो अपने के हमने संबंध ना हो, सीधा सा बात है। ओकर बाद भी हमने संदेश दिल बात भी अगर कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किसी समुदाय विशेष के लेके ककरो हमने केंद्र कमेटी के कोई व्यक्तिगत नाम के लेके टिप्पणी करो कि ना वो काम अच्छा नहीं कर लो, वो अपन बूथ में लीड नहीं कर पा लो, तो हमने के उस व्यक्ति से संबंध ना हो, इस बात की हमने स्पष्ट किया जाए, क्योंकि हमने सभी लड़का काम कर लाए, हर एक समुदाय हर एक जात हर एक संप्रदाय के हमने के आशीर्वाद मिल रहा है, कोई बूथ ना है जहाँ हमने वोट ना है, ठीक है कहीं कम है कहीं ज्यादा है। ओकर बाद चूंकि हमने नया आए लिए दो साल में लिया राजनीति के बात कर रहा था, हमने जून महीना में आए लिए जून एक साल में लिया पॉलिटिक्स करे के, आज हटो हमने कहा गर्व के बात है कि इस लोकसभा में 1973 वाला भी पार्टी चुनाव हारल है, लेकिन चर्चा 2023 वाला पार्टी के है, 73 यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो इस चुनाव के हारल है, और लगभग से वोट मार्जिन के बात करवा तो 370 हमने 3.5-22,000 के अंतर है, अगर से 2% 29 है हमने 27.5 है, मात्र 2% के मार्जिन है। तो इसलिए 1973 के पार्टी के चर्चा ना है कि 2023 के पार्टी के चर्चा है, वह है जगह में 50 साल के अंतर है, यानी 50 साल के हमने में अंतर है, फिर भी अगर हमने चर्चा व्यवहार है तो हमने जीत लग। तो इसलिए एकदम किसी भी हर समाज हर एक वर्ग हर एक तबका के हमने आशीर्वाद मिल रहा है, हाँ ककरो तनिक कम ककरो बेसी मिल रहा है, ककरो ज्यादा मिल रहे कम मिल रहा है, ठीक है, चूंकि 70 साल से राजनीति में अपनी भाग ले रहा है, ओकर एगो माइंडसेट बैठा है, ककरो बीजेपी के साथ जाना ककरो एंटी बीजेपी है के जाना, तो आसान नहीं लगे उस माइंडसेट के हमने एक साल में भी अगर 5% भी अपन पक्ष में ले आ ले तो बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए अगर मैं कोई दो राय ना है, हर एक समाज हमने के खुला दिल से आशीर्वाद दे ककरो में किंतु परंतु ना है, और ऐसा बूथ में हमने वोट लेके आना जकर में हमने के आसान आ बिल्कुल हर एक समाज हमने के आशीर्वाद दे ले, चाहे वो सर्व समाज रहे पिछड़ा वर्ग रहे अल्पसंख्यक रहे या शेड्यूल ट्राइब रहे या शेड्यूल कास्ट रहे, सभी ना हमने के झोला फैलाए के अपन आंचल फैलाए के आशीर्वाद दे ले, और जैसे जैसे हमने के कद बढ़ता है जैसे जैसे हमने के ग्राफ बढ़ता है जैसे जैसे राजनीति में हमने कदम बढ़ता है ये वोट के मार्जिन भी बढ़ता है, अगर में कोई नो डाउट है ये वोट के मार्जिन निस्संदेह बढ़ता है, और अगर खाली तो विधानसभा में देख लिया बस अत्य निष्ठा आई के काम करे को। इसलिए हम आज के इस समीक्षा बैठक के माध्यम से चूंकि दो विधानसभा के समीक्षा बैठक लग लगे अतः सबसे पहले हम दुए विधानसभा के जितना भी तमाम जनता जितना भी मतदाता थे सभी के आभार करवाए, जब वोट दल थे ओखने के आभार करवाए, और जो ना दल थे ओखने से आग्रह करवाए कि तोहनी हो कम से कम आने वाला जो चुनाव होता है ओकर में एक बार नौजवान सबके बारे जरूर सोचिया, क्योंकि हमने कोई अपन घर परिवार खातिर लेके ना चलल है, आज हमने झारखंड के हितार्थ के लेके चलल है, आज हमने जे हक हुकूक के लड़ाई लगाए अपना आधार मान के चलल है, तो जे लोग है सकल किसी कारणवश इस बार हमने के पक्ष में वोट ना कर पा रहे ओकरे से आग्रह करबे कि तोहने से कोई शिकवा गिला ना है, तोहने से कोई शिकायत ना है, तोहने अगर ना भी करला तो कोई बात ना है, लेकिन तोहने के दिल में भी हलाय कि ठीक है हम भटवा जयराम बाबू के ना कर लिए लेकिन जीते हो है, तो ऐसा परिस्थिति भी आई भोले हमारा मजबूरी बस चुकी दबाव हलाय ओकर बूथ में वोट काउंटिंग बता है ना वोट है तो ओकर पे आंच है ओकर पे गाज गिरता है, लेकिन वो वोट अपने अगला पार्टी के दल बाद भी दिल में ओकर तमन्ना हले कि जयराम जीते, तो खैर तोहनी दिल में भी तमन्ना जागल है हटो खातिर बहुत बहुत आभार करे है, और तोहनी से हटे अपेक्षा रहता है कि 2024 के जब विधानसभा के चुनाव होता है ओकर में तोहनी के आशीर्वाद मिले, हमने इटा अभिलाषा रखा है।
इसलिए पुनः सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जितना भी त्रुटि एलो सामने एलो गाना ना चाहे, लेकिन कहीं कहीं सही बात है कि मैंने सांसद बने से ज्यादा हमने विधायक बने तैयारी कर लगला। हालांकि करिया मना ना है, अब तो समय आ गया है, लेकिन तनी उस समय अगर इटा हमने भूल ना कर चला तो शायद तोनिक सांसद बन जीते, ज्यादा अंतर ना आले 50,000 बस मान के चल जीत ले, अगर 50,000 रैन के अपन में एड करे कले भाई गले में कब ज्यादा अंतर ना, 1,00,000 मत दे 50,000 तो 50,000 अगर हम लेके आते लिए तो हमारे 50,000 प्लस मतलब अगर माइनस बतले तो प्लस माइनस 1,00,000 वही चले। क्या देख हमने आकलन देख ली, पहला बात हो कि हमने इतना कम उम्र में परफेक्ट आकलन कर ली, देख ले जकरा भी पूछ लिया कि हमने स्पष्ट कर लिए कि मुथुरा प्रसाद महतो चाहे जेएमएम के गठबंधन कितना प्रयास कर ले वो जगन्नाथ महतो वाला वोट नहीं पार कर पाते, लेकिन हमने ऑटो कर ली वो 3.5 लाख से कम नहीं रहते, अगर आंकड़ा हमने स्पष्ट कर ली तू कितना मेहनत कर जगन्नाथ बाबू वाला वोट नहीं पार कर पाते और 3.5 लाख से कम भी नहीं रहते, इटा तो हमने पहले ही आकलन कर लिए। इटा में जहां भी हजारों पर अगर कोई हमारा पूछ ले तो हजारों पर अटक कर लिए कि अगर 3,70,000 से कम तो ही नहीं आ गया, यानी हमने थोड़ा सा और अगर हल्का सा मेहनत भाई जितला है हल्का सा चुकी देख सभी डिमांड हटे तो देख ऐसा बात ना हो। आज अगर जितना भी हमने केंद्रीय कमेटी हो 500 को हा जिला कमेटी तो खैर बनलना है, प्रखंड कमेटी में 500 कुल मिला के हमने 2,000-3,000 सदस्य या कार्यकर्ता या केडर है गिरी लोकसभा में, नो डाउट 2,000 के 2,000 पर हमारे प्रति निष्ठा हो, लेकिन अपनी आपस में न पटो इटा बहुत बड़ा समस्या है। नो डाउट अगर गिरिडीह का वाला भी हो तो हमारे खातिर जान दे खातिर तैयार हो, बागमारा भी वाला हो तो अगर 100 का लड़का तो 100 हमारे खातिर जान दे देते हो, लेकिन हमारे गैर हाजिरी में अपनी को लीडर भी नहीं मानल तो यह समस्या है। तो उम्मीद करे देखा पूरा राज्य हमने के उम्मीद से देख रहा हो, और अगर हमने अपन कंट्रोवर्सी में और आपस आपसी मने प्रतिद्वंदी के चक्कर में अगर हमने नुकसान करा तो इटा केवल हमने के आपसी नुकसान ना रहतो, ये राज्य के को जो नया उम्मीद जागृत भेलो ओकर नुकसान रहतो। तो खैर अब विधानसभा समय आए गेलो, हम 2-4 महीना बाचलो, अच्छा हो विधानसभा के तैयारी करल जाए, नो डाउट अबरी सभी के मौका मिलतो सबके अवसर मिलतो, लेकिन हाँ अटेक अब हर एक विधानसभा में लगभग 4-5 कैंडिडेट अपन आपके मानल अच्छा बात है, थोड़ी भावना का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी मेहनत भी कर ला, नो डाउट थोड़ी विधायक प्रत्याशी हा, लेकिन कोशिश करिए 1-1.5 महीना में अगर 1-2 को क्लियर भाई जीते तो हमने के रास्ता आसान रहते ताकि हमने के पर्ची काटे में असुविधा ना रहता है, हमने इटा प्रयास करे के मैंने अपील करे चाहिए। बाकी नो डाउट अब विधानसभा सांसद नहीं बने पड़ला, लेकिन कम से कम अपन एगो बेहतरीन विधायक चुनिया ताकि राज्य में हमने प्रभावी रहे, क्योंकि देखा अभी भी देख ले पता ना वर्तमान सांसद जे बनले ओकर यहाँ कितना शिकायत गले ना गले, या फिर जे जेएमएम प्रत्याशी हलथिन ओकर यहाँ कितना शिकायत गले ना गले, लेकिन आज चुनाव हारल बाद भी हमने यहाँ सैकड़ों शिकायत आ चुकल है, यानी भले प्रमाण पत्र में सांसद कोई और हो लेकिन जनता माने खातिर तैयार ना हो, आज भी जनता अगर शिकायत लेके आओ तो हमने यहाँ लेके आओ, और हमने अब तो मान के चले एक संवैधानिक पद ना भी मिल लो लेकिन फिर भी हमने प्रयास कर लिए, इटा में कोई प्रशंसा और अपन बढ़ाई ना, हमने 10 में 2 मैटर सॉर्ट आउट कर पाए रह लिए, अगर शायद हमने अगर पक्ष में रिजल्ट रहते लो तो शायद हमने 10 में 8 और 9 अपनी मैटर सॉर्ट आउट करने में सक्षम रहते ला, तो इटा कहीं ना कहीं हमने आपसी मतभेद के कारण जनता के उम्मीद के थोड़ा सा हमने तोड़ दला शायद, और गिरिडीह लोकसभा हमारा बुझाओ हार जीत से ऊपर भावना के चुनाव लग लो, कहा कि रिजल्ट मैंने बहुत सारा रिपोर्ट ऐसा ना रहा कि 85-90 साल के 2-4 बूढ़ी हो जो खाना पीना बाहर तला तुम, 5-6 साल के बहुत सारा बेटा छो बेटी छो तुम गिदर जाए एकदम नाबालिग से भी नाबालिग हो अखनियो खाना पीना ना कह रहा लोग, तो कहीं ना कहीं गिरिडीह लोकसभा इटा को जीत हार से ऊपर के चुनाव लग लो, गिरिडीह लोकसभा को भावनात्मक चुनाव बन गया लो, और उस भावना में कहीं ना कहीं आघात हमने खुद कर लिए, दूसरा क्या दोष देवे, बिल्कुल दूसरा के दोष नहीं दे अपनी कुछ नहीं कर पा लो, अभी अगर वर्तमान सांसद के बात कर में है तो हमने अगर अपन आपके कुछ देर पहले सोच ले कि हमने चुनाव ना लड़ा है तो 11 लाख पिछला बार पोलिंग भेल 12.5-1.5 लाख है, वर्तमान सांसद के मिलल 58 यानी 60 मान ले गुना भाग करे में 4 दिन 60% तो 1.5 लाख के 60% कितना भाग ले 15×6=90 यानी 90,000 यानी 6,50,000 में 90,000 एड कर दे यानी 7,40,000 वर्तमान सांसद के वोट आवा है, और एक 4 लाख जगन्नाथ बाबू 4 लाख हल मथुरा बाबू के 36% तो मैंने ऑटो गुना कर 1.5 लाख इंक्रीज बोलो तो 15×3=45 और 15×6=90 तो यानी 9×45 यानी 54 यानी मथुरा महतो का भी अगर एड करल जाए तो 4,54,000 4.5 लाख आप देख ले दियो माइनस भेलो कि 4,54,000 से 3,70,000 में आई गल और 7,40,000 से 4,51,000 में आई गल यानी एगो के 3 लाख माइनस कर ली और एगो के लगभग ओकरो कम से कम 70,000 माइनस कर ली, तो इटा का बहुत बड़ा मैसेज आलो, बहुत बड़ा मैसेज आलो कि हमने दियो। अब सवाल रह गए कि एकर मतलब इटा स्पष्ट ले कि अपनी वोटर ना लगले उटा,
वोट अपने के विकल्प ना मिलक चलते जहाँ आज हमने विकल्प दले तो एक के बारे में 3.5 लाख वोट आएगा। और अभी त्रुटि हमने खुद कर ली, नो डाउट। अगर हमने त्रुटि ना कर दली और हेटो स्वीकार करा तो कि आधा से ज्यादा लोग तो प्रत्येक 2 दिन हमारे यहाँ बैठ कर जाए जाते, हमारे संगे गाड़ी पीछे घूमिया भी जीबा तो हमारे संगे गिरिडीह भी जीबा हमारे संगे कोई माने केंद्र पदाधिकारी खासकर जितना भी हमने केंद्र पदाधिकारी या तो केंद्र पदाधिकारी मत रहो हमारा अंगरक्षक बन के घूर केंद्र पदाधिकारी के लिए हमारे पीछे तो लगभग माने 1.5 महीना 2 महीना बर्बाद कर दलो। तो जैसे नहीं हाल है ठीक हो तुम्हारे स्कूल पीरियड के कॉलेज पीरियड के तुम्हारे मामा का बेटा मौसी का बेटा कम से कम ना कर लो तो 50 को लड़का तो मिलता लो, 50 को लड़का जरूर मिलता लो। उस 50 को कन्विंस करते करते तो यार 50 को खोज दली, वो 20 दिन 25 दिन अगर हमारा छोड़ के अगर काम करते लाए तो हमारा बुझाओ केवल वहां 25,000 रेट भेजते लो। तो कहीं ना कहीं हटो देख लियो, अब हटो अब दूर करे के प्रयास करा कि प्रत्येक 2 दिन में हमारे से मिलना कोई जरूरी ना हो। अब तोहनी अगर केंद्र कमेटी में लगा तो उतना नैतिक जिम्मेवारी लिए तो, और ना तो फिर रहा हमारे संगे रहा बिना किसी पदभार के रहा हमारे संगे कोई मना ना हो। तो इस चीज के भी देखे लो कि लगा मैंने अगर गोमिया में कार्यक्रम भेलो तो बेरमो वाला उठ के गोमिया चल गए, बेरमो नील भई गए, बागमारा में कार्यक्रम भेलो तो जाके अगला क्षेत्र वाला वहां आई गए तो वहां नील भई गए। इसलिए अपन अपन क्षेत्र में रह प्रयास करा बेटा। तो लोकसभा लगलो मोटा मोटी मान के चला 6 विधानसभा में लड़ लियो, लेकिन यहाँ 81 विधानसभा अगर लड़े के बात हो तो 81 जगह लड़ना पॉसिबल ना हो। अभी तो हमारा बुझाई 6 विधानसभा में झगड़ा बैठो हमारे लेके पहला बैठो। अब शुरू भाई गलो डुमरी वाला बोलो डुमरी से लड़, आ गुमिया वाला बोलो लो गुमिया से लड़, टुंडी घर लगो कहाँ लड़ो कंफ्यूज भाई। तो पहला प्रत्याशी जो हमने 17-18 से कोई दुविधा ना हो, यहाँ पहला तो दुविधा जरा से भाई गलो कि तो मैंने सभी चाहो कि हम तोरे देखो। तो भाई गलो थोड़ा सा भावना से ऊपर आवे तो चूंकि हमने के एगो राज के जिम्मेवारी लिए जा रहा ली तो अब जाहिर सी बात है हार्डली 2 सीट से लड़ सकल, बाकी जगह तो भाई प्रत्याशी के लाके स्वीकार करे तो स्वीकार करे खातिर जे भी है तो आज देख ले। बाकी अभी वर्तमान सांसद के बात करवा तो नो डाउट कोई भी गांव में चल जो और कोर वोटर भी कह लेगी वरना है तो लेकिन कह ले संगठन अल कतनो भी आज ओकर कोर वोटर ओकर गठबंधन भी ओकरा हर जगह विरोध कर ले, हर जगह गठबंधन ओकरा विरोध कर ले। बकायदा ओकरा कहे भेलै कि 90% माने प्रतिनिधि तोहनी के बनेबो अपन पार्टी के छोड़ के गठबंधन वाला पार्टी के, लेकिन फिर भी अपनी वोट लेके आयलो कहे ना जैसने हलो ओकर एम हटे हलो कि हमको केंद्र देखना ओकर जितना भी कार्यकर्ता हलो ओकर जितना भी केडर हलो ओकर एक एक एम हलो कि हमरा दिल्ली देखना हो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के देखना हो। लेकिन हमने कार्यकर्ता के एम नहीं बना पा रहा अपन एम बनाओ कि हमने क्या विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना हो सरकार में आना हो आए के इस राज्य के खातिर नीति बनाना हो इस राज्य के जो आवाम है जो आज लगातार झारखंड बनल बाद भी शोषित भय रहा है वंचित भय रहा है अपन अधिकार से पिछड़ रहा है ओकर खातिर लड़ना हो इटा एम बनाओ। प्रत्याशी कोई रहे अपन एम बनाओ कि प्रत्याशी बस तोर क्रिटेरिया में अगर फिट भय जाओ तो वोट कर हम बिल्कुल हम एटे कह जाओ तोरे तो जिसने वो प्रत्याशी का डिमांड कर जैसे हमने क्या नारा चल की पढ़ा लिखा होना चाहिए चल ठीक हो तो जकरे प्रत्याशी माने और जगह कोई दूसरा प्रत्याशी है लो लेकिन सेम क्वालिफिकेशन रह लो तो स्वीकार कर और सेम माने बिहेवियर रह लो तो स्वीकार कर क्योंकि अगर इगला ना है तो बड़ा दिक्कत है तो क्योंकि हमने पर लोग बहुत उम्मीद कर रहा लो पूरा झारखंड भले वो ककरो वोट दिले ना दिले लेकिन फिर भी ओकरा मालूम है कि अगर इस झारखंड में सच में कोई बदलाव करता है तो हमने बदलाव कर भी। इसलिए आज हमने अपन जो स्वार्थ के नीति हो स्वार्थ के परिनीति हो उगला से थोड़ा सामने के बाहर आवे की आवश्यकता है और विधानसभा चुनाव खातिर हमरा बुझा बहुत कम समय हो तो हम पहले कह रहे कि लोकसभा चुनाव बुझा हो कि अभी 20 दिन समय है लेकिन जैसे जैसे समय है तो तोरा समझ में तो कहाँ से पेपर वारे कोई पढ़ लेते परीक्षा नियर हाल है जे एगो मैंने मेहनत करे वाला स्टूडेंट रहे ओकरा देखिए कभी वो परीक्षा में जाए तो कहाँ से एक बार पलट के पढ़ लेते लिए तो सही नहीं हमने खा ले लो कि कहाँ से 2 दिन रहते लाए तो 2 क्षेत्र में 10-10 हजार एड करते लिए अगर सच्चाई हो। आज हमने जब से मैंने हमारे एंट्री वालो मैंने जय घटनाक्रम के बाद 10 दिन मैंने हिंदे हिंदे रहल बाद ओकर बाद हमने जय दिन सभा कर लियो हमरा बुझा हर एक दिन 10-10 हजार वोट एड भेलो हमने माहौल से हमने के मतलब स्ट्रगल से हमने जे भी अपन मेहनत जितना कर ली हर दिन 10-10 हजार वोट एड भेलो। अगर वह 10 दिन खाली हमने गैप ना भेतलो तो 10 हजार दिन हमारा बुझाओ 10 गुना 10 कर ले 1 लाख भेलो खाली अगर 10 दिन अंडरग्राउंड वाला सिचुएशन ना भेतलो तो हमारा बुझा जे 1 लाख के अंतर भेलो ऑटो ना भेतलो उड़ा सिर्फ हम कर लेते लियो तोहनी तो छोड़िए दे वो 10 दिन ओकर बाद 10 दिन तो तोहनी कुछ नहीं कर ली नो डाउट हो एकाध जन हवा तो है सकल कर लवा लेकिन हमारा बुझा 10 दिन तो हमने संगठन कुछ काम ही नहीं कर लो जो 10 दिन हमने 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक जो हमने बोने झाड़ पता रहे जो साइलेंट रह लिए ओकर में
ओकर में हमरा बुझाओ कुछ काम ना भेलो। फिर चल दू चार गो टीम जैसे हलो अखनी हल तो मान के चल अखनी जिम्मेवारी हलो अखनी के चौथा सेट के ओकरो में लगभग 50 गो लड़का एक्टिव हलो चौथा सेट के। लेकिन बाकी जो हमनी के पदाधिकारी हलो अपन क्षेत्र में हमरा बुझाओ एगो बैठक तक नहीं कर लो। अरे कम से कम चाय के दुकान में बैठ के चार चार से चर्चा तक नहीं कर लो तो 10 दिन हमने बहुत नुकसान भेलो। अगर वो 10 दिन हम नया अंदर में रह लियो तो पक्का 1 लाख वोट खाली हम अपना मेहनत से ऐड कर ले लियो। लेकिन 10 दिन हमने नुकसान भेलो और 10 दिन कारण हमने चुनाव हार ले और चुनाव हमने कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपसी समन्वय नहीं रह पा लो चाहे टुंडी रहे चाहे बागमारा रहे सब जगह मतलब 8 को 10 को विधायक प्रतिनिधि अच्छा बात है सबके रोटेशन करके मिलता मौका। और हमने तो उम्मीद करे 2026 के बाद शायद परिसीमन में तो 150 सीट भर जीते तो 81 से जखन 150 सीट भेतः तो मौका सबके मिल जो ठीक हो प्रत्याशी बने के मौका सबके मिल जो। लेकिन अभी हमने एक सबसे बड़ा समस्या हटे बोलो हमने सांसद के चुनाव कम लड़ला अपन आपके विधानसभा के तैयारी कर ला। सही बात हो आज हमरो तकलीफ लगा है कि जे लड़का पंचायत में मेहनत करोगे हम जाना नहीं कैसे जानवो बताओ हम अगर पंचायत के लिए तोहनी 5 बजे आ गए हमारे सामने आधा समय तो मतलब तोहनी के खड़ा भई गेले और तोहनी के हम जाना ही हो तोहनी के आप भली भांति जाना ही हो तोहनी के हम आज 2 साल से जान रहे हो 4 साल से जान रहे हो लेकिन फिर भी पंचायत के लड़का हमारे यहाँ ना पहुंचे पा तो सही बात कह देता है तोहनी आगे फेस कर गेले तोहनी हमारे बगल में खड़ा भई गेले तो थोड़ा सा तोहनी को कम्प्रोमाइज करे तो मौका दिया तो नया नेता के हमारे सामने आवे के मौका दिया तो तोहनी के देखे तो क्योंकि हमारे पंचायत के हाल ना जाना हो हमने कितना बार प्रयास कर लिया कि कभी घर बैठ के कम से कम रैंडमली 4-5 को कॉल करबे अगर पॉजिटिव मिलता है करबो करा लिए जकरा फोन मिल करा लिए ओकरा उत्साह बढ़ जा ले। तो इसलिए अब थोड़ा सा हमने क्या सीखे की आवश्यकता है आपसी मनमुटाव आपसी जय रंजीश रहा है उगला के विराम दिए के समय है और हमने की आशा करे है कि विधानसभा के चुनाव हमने बेहतर लड़बे और इतना बेहतर लड़बे कि हमरा बुझाए कि कम से कम हमने सरकार में आवे के जुकुर रहबे इतना बेहतर लड़ना हो। और खासकर इस बात के एकदम टारगेट कर ले कि जे गिरिडीह लोकसभा के 6 गो सीट है यहाँ तो तोरा मैक्सिमम जीते है गिरिडीह लोकसभा में। अब गिरिडीह चूंकि हमने आज 2 गो विधानसभा के लगल गिरिडीह में समीक्षा बताए खैर गिरिडीह में हमने के तो आकलन हल की 30-35 तक जीवे लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने के मतलब मैंने कहीं आकलन हल अगर मैं त्रुटि पैलिए तो बागमारा में पैलिए तो उम्मीद करे कि बागमारा वाला सब निराश ना होता है बल्कि हमरा बुझाए बागमारा के बार आर मजबूत है वा आर जे कसर लोकसभा में रह गए ओकरा विधानसभा में पूरा करवा। तो सीधा सा जान ले चूंकि विधानसभा भी त्रिकोणीय मुकाबला रहो तो यानी मोटा मोटी 2 लाख पोलिंग भेतो तो 2 लाख पोलिंग भेतो यानी 3 जगह अगर बांटवी तो 7 का 7 7 14 7 21 तो हमरा बुझाओ कि कम से कम तोरा टारगेट लिया तो 80,000-85,000 तोरा टारगेट लिया तो अगर 80-85,000 हमने ले आने हैं तो निश्चय हमने चुनाव जीत जीवे आप उल्टा खातिर बहुत ज्यादा मैं चूंकि दुए विधानसभा की बात करबो चूंकि हमने गाय लो 46 टारगेट हो 80 यानी आर 35,000 अब वो आर 35,000 कहाँ से आन सकल है किस टाइप के लोग से आन सकल है किस टाइप के मतलब टोला से आन सकल है किस टाइप के बूथ से आन सकल है इटा हमरा बुझा हो इटा बागमारा के जे हमने के जिला कमेटी केंद्र कमेटी प्रखंड कमेटी तोहनी जब आपस में बैठ में आपस के मनमुटाव के समाप्त कर में तब 80,000 के आंकड़ा पार करबे ना तो हमरा बुझा हुआ 46 के जगह कहीं 36 ना जाए ताकि देख ले चुनाव जरा मैं तो नहीं लड़ता हर जगह ताकि अगर जरा सा भी तोने ढील करवा तो 46 के जगह 36 रहते 36 हमरा बुझा तीसरा नंबर में रहे तो इसलिए एक है कि अब लड़े तो और हमारा नो डाउट सबके समर्थ हो ऐसा बात ना है कि तोहनी में काबिलियत ना हो हर एक जन में काबिलियत हो चाहे कोई रहे प्रदीप दा रहे आकाश रहे रुकदेव रवानी दा रहे चाहे कोई रहे चाहे हेमंत रहे सभी में काबिलियत हो बस तोहनी अपन अपन काबिलियत में कोई शक नहीं करना हो और दूसरा बात अगला के भी काबिलियत के डमाना ना हो अगर ओकरो में काबिलियत है तो कर दे जैसे कि अभी छुटवे दा चल गए टुंडी तो कोई गुनाह नहीं कर ले रवि कांता के बल्कि ओकरा स्वागत करे काम हले तो ओकरा चाय पानी पिलाओ और हमरा बुझाए ओकरा तो बल्कि हटो कहिया कि तोरा अगर कहीं कमी रहतो तो हम यहाँ लोकल लागियो बोलिए हम लाइन अप कर देबो थोड़ा सा हमनी के आपसी मने जे मन में जे मैल है ओकर से बाहर आवे तो मतभेद होना चाहिए मनभेद नहीं होना चाहिए हमनी मन में भेद कर लहा तो मतभेद रह है सकल सब एक दल में है लेकिन विचार सबके पसंद मिलना है सबके अपन अपन तरीका काम करे के अलग है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो बागमारा के लक्ष्य लगभग 80,000 रहते 75 से तो कम कहने रहते तभी विधानसभा हमने क्लियर करवा अब कैसे 75 से 80 के बीच वोट लेके आए चूंकि अभी मात्र हमने यहाँ 46,000 हो मैक्सिमम हमने नगर निगम में माइनस कर ला क्योंकि नगर निगम में हम गिना लिए चंद्रप्रकाश चौधरी साहब के 32,000 भेजा लो और मथुरा प्रसाद महतो साहब के भी लगभग 22-24,000 भेजा लो और तुलना में हमने वहां बुझाओ शायद 3,000 के आसपास है तो लगभग नगर निगम में हमने के मेहनत करके आवश्यकता हो
कैसे मेहनत में तो, या फिर अगर बात ना है गांव में भी जहां अगर बैंक के चल हमने 2000 आन लो, अगर हमने 700 भी 1500 आन लो तो उठा में कोशिश करना होने के 500 में सीमेंट के रखना हो, बाकी 1000 के फिर एड करना हो। अगर गांव की ओर ही वापस जा रहे हैं तो अब तो नहीं जाए कि एक एक को बूथ के एनालिसिस कर ये कहां हमने माने ऑकर आएगा, ठीक है हम 2000 ले कोई दिक्कत ना, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड ना होना हो। जैसे लोपीटी पंचायत माने 2200 ना 2400 ले गए ले, लेकिन अपने दियो मिले के 700-800 ले गए लो, और 700-800 भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गांव के सही बात हो पता नहीं शहर हमने कब एक्सेप्ट कर तो नहीं करते, लेकिन जब गांव एक्सेप्ट कर ले लो तो आप प्रयास कर एक तरफा एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए अगर हमने अगला प्रत्याशी अगर 30 को भी हमारे बूथ से लेके आए लो तो प्रयास करो 30 को कि फिर हम रिटर्न कैसे लेके आए, क्योंकि 75,000 बागमारा जैसा विधानसभा में वो बहुत बड़ा आंकड़ा रहता। अगर बात टुंडी में मोटा मोटी हमने रेस में रह ली, हालांकि अब स्वाभाविक बात हो मुथुरा प्रसाद महतो यहाँ के विधायक हो, 3 बार के हो और प्लस एगो सामाजिक समीकरण अगर पास हो तो आसान ना हो सामाजिक समीकरण के अपना आसानी से भेद ना, लेकिन फिर भी अपनी आशीर्वाद मिलल है, 5% मिलल है, 3% मिलल है, लेकिन हर एक वर्ग के आशीर्वाद मिलल है। अतः अपनी के स्वागत कर अपनी के सम्मान कर कि पहला बार में इतना आशीर्वाद मिल रहा है, पहला बार में हमने इतना भरोसा जताल है, समय बढ़ता है भरोसा दुगना रहता है। तो यहाँ 73-72 और 59 के मैंने आंकड़ा रह लो तो उसी आंकड़ा के राख ले यो मोटा मोटी 2,00,000-4,500 के आसपास पोलिंग में लो उतने रहते क्या विधानसभा में कुछ ज्यादा बल्कि 2,000-4,000 बढ़ते, क्योंकि जितना छोटे चुनाव रहे उतना वोट बढ़े परसेंटेज बढ़े। तो मोटा मोटी मान के चला अगर 2,10,000 माने हैं तो 7×7=21 यानी 70,000 के आंकड़ा ग्रो में रहते। और हमारा बुझाओ बागमारा के तुलना में टुंडी में थोड़ा सा 5,000 कम ही खातिर मान भी कि यहाँ तीनों लगभग रेस में रहे, बागमारा तो शहर में हो ना और शहर के मूड कखन कहाँ चल जाओ एक तरफा कम कर दो। तो ऑलरेडी हम अगर टुंडी की बात करल जाए तो टुंडी में हमने क्या 60,000 हो 15,000 खातिर मेहनत करा तो 15,000 हवा से ना है तो अपनी के डकैट क्या ना जब 72 आना लो ओकर टच 71 आना लो ओकर डकैट क्या ना, तो हमने के जा टुंडी में थोड़ा कम मेहनत हो ओकर में 15,000 ऐड करना हो। अब 15,000 कैसे ऐड है तो इटा टुंडी के टीम हमने तय कर तो, हालांकि टुंडी में कंट्रोवर्सी कम हलो, टुंडी में अभी तक एको विधायक प्रत्याशी सामने ना आएलो, इटा को कोई चीज के लो टुंडी में बागमारा में लगभग 11-12 को हां सबके शुभकामना हो जे विधायक बनवा बाकी के लगे प्रतिनिधि बनाए देबा, ठीक हो टुंडी में संग आएल ना हो टुंडी में भी होता था नाम आगू ना आलो ना अच्छा आएल तो स्वागत है ज्यादा मैं है तो बढ़िया बात है, ऐसे टुंडी में इतना कोई कंट्रोवर्सी ना भेलो, खाली अगर भेलो तनी टुंडी बटे कोना तने भेलो तो चाची में अभी तक ना भेलो, तो चाची में कोई ऐसा मजबूत चेहरा ना आएलो। उम्मीद कर रही है कि 1-1.5 महीना में निकल के आवे, हमने स्वागत कर भाई जितना चेहरा रहते उतना बढ़िया रहते और सभी काम करल जाए, लेठान टुंडी के मेहनत थोड़ा कम हो 15,000 एड करना हो ओपनिंग टक काट के छाट के एड करना हो। हमारा बुझा ना विधानसभा एड भाई जितो बस थोड़ा सा अगर हमने माने निष्ठावान भाई के रहा तो विधानसभा में खुद जे अगला सीपी साहब के दलो एमपी साहब के वोट दलो दियो हमरा बुझा अपने खुद हमने पक्ष में तो, क्योंकि सेंट्रल के चुनाव लगलो दुए को अपने के नजर आवल फिर भी हमने बहुत जोरदार टक्कर दिले। तो हमरा बुझा टुंडी कम मेहनत करे तो बागमारा के बहुत ज्यादा मेहनत करे तो यानी बागमारा के कायल से लागे तो टुंडी वाला भी कायल से लागले तनी मार्जिन ज्यादा है तो बाकी जैसन धोनी का अच्छा बुझा था देख हर चीज में केंद्र अध्यक्ष आपके राय ना देते, हम तो बार बार कह लियो तोनी स्वतंत्र है कुछ निर्णय खातिर, तोनी स्वतंत्र है कुछ काम करे खातिर, तोनी स्वतंत्र है काम कर, लेकिन हाँ सबके मिला के काम कर। तो प्रयास कर कि काले से लाइक जो और कैसे हमने तमाम बूथ लिस्ट हो सभी ने जितना भी हमने किया और टीम हो अपनी तक पहुंचाई दी तमाम बूथ में कि कहाँ कहाँ कमजोरी है और कैसे अब अपनी के साधल जीते और फिर फून हटे कबो ककरो पे दोषारोपण करे कोई आवश्यकता ना है। पहला चुनाव 3.5 लाख हमने के जीतो 3.5 लाख लोग आज भी कह रहा लो कि भाई तो हमने सांसद तो नहीं लगा और मैंने कहीं ना कहीं समस्या लेके हमने करे पास पहुंच रहा लो, तो अपनी के सम्मान करल जाए और जे भी जनादेश आए लोग स्वीकार करल जाए और जे भी जीत के गलती वर्तमान सांसद पुनः रिपीट भेलथिन चंद्रप्रकाश चौधरी साहब ओकरा तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम आज अपन समीक्षा बैठक के माध्यम से हम शुभकामना दे रही है कि ठीक है जनता जनादेश दिले जनता के जनादेश के सम्मान करिया और साथ ही साथ संदेश भी दिए चाहे कि थोड़ा सा मैंने जे नेरो माइंडेड पॉलिटिक्स कराती उठा स्तर बांच के रहिया कहे कि देखा ये बहुत जगह सामना हुआ है कि ना वो बूथ में वोट ना मिलो तो काम नहीं करो, अरे हमने हारल प्रत्याशी लगे से हमने आज तक ने वोट की नहीं गली बहुत जगह हमारा कहा लग गया गिरिडीह फोन आए लोग गिरिडीह लगकर बातें नहीं कर रहे हम कहीं ना है एक आदमी भी वोट दिला तो हमने पूरा गिरिडीह के नेता लगे, इसलिए नेरो माइंडेड पॉलिटिक्स करे खातिर हमने ना लियो जे वोट ना दिले ओकरो सुनबे जितना हमने हैसियत है ओकर अनुसार हमने काम करबे कहे कि एगो भाई हमने संवैधानिक पद से मैं जाए से वंचित रह गए अतः हमने जे भी सामर्थ्य हो जे भी हमने कैपेबिलिटी हो उस कैपेबिलिटी के अनुसार जे हमरा वोट दिले ओकरो खातिर काम करबे जे ना दिले ओकरो खातिर काम करबे, हम उम्मीद करे जे जीतल हथिन ओखनी अभागिल रखते
क्या हम बहुत जगह देखा है कि शुरू भाई गले अपनी कहानी बदला लिए कहानी शुरू भाई गले तो खैर हम अत्याग्रह कर भाई बदला के दुर्भावना से ना चला क्या कि अगर बदला से अगर कुछ बेहतर तो शायद हमारा बुझाया ऊपर से नफरत और द्वेष ही बढ़ते जीत गला आप अपन जीत के जश्न मनाओ लेकिन काम गिरिडीह रहे चाहे धनबाद लोकसभा रहे जितना आबादी है ओकर सांसद लगे कोई बूथ के सांसद ना लगे जब बूथ गिन गिन के काम करना हो। हाँ ठीक है जब हमारे संबोधन समाप्त भेज दे तो हम चार पांच को सवाल ले लेंगे और बाकी ठीक है बाकी सभी के निराश मन छोटा करने की आवश्यकता ना है मन के ऊंचा करा मन के बड़ा करा कि तो पार्टी के सिंबल ना है। हाँ अरे अरे हमने 50,000 वोट एड बदला सिंबल आपको मैंने पहले मिल दो सिंबल भी तो हमने के मिल लो 9-10 तारीख के सिंबल भी अगर हमने के पहले मिलते लो अगर हमने रजिस्टर्ड पार्टी रहता ला तो हमारा पूर्ण आशा हो कि यार 50,000 एड भेज लो यानी आज हमने के लगभग 4.5-5 लाख तक चल जीते नो डाउट सिंबल समस्या कर लो और 10 दिन जनता हमने मतलब फील्ड में ना रह पा लो 10 दिन बहुत बड़ा समस्या कर लो वो 10 दिन ना कर लो अगर हम 6 दिन या 5 दिन अपन लोकसभा में देते लिए तो कम से कम वहाँ 50,000 से 70,000 एड भाई जीते तो खैर मन छोटा ना करिया परिस्थिति के जो जनादेश है लोग कबूल करा क्योंकि ये जनादेश भी बहुत लोग के अपन करियर में नसीब ना भेवा है। आज कितना कितना लोग इंडिपेंडेंट लड़ ले कितना कितना बाहुबली कितना कितना धन बली और कितना कितना पूर्व सांसद और विधायक जब टिकट ना मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ ले लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 में सिमट गए तो इसलिए बाकी ठीक है सभी ने जनादेश के स्वीकार करा और कहां त्रुटि रह लो कहां कमी रह लो उस बात के भी स्वीकार करा कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ना मिले मंजिल सुख चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम तो क्या असफलताओं का स्वीकार करो कि बेशक हार हुई है मेरी पर अभी हारा नहीं हूं मैं कि बेशक हार हुई है मेरी पर अभी हारा नहीं हूं मैं हाँ जमीन पर पड़ा हूँ गिरा हूँ मुझको लाचार ना समझो बेचारा नहीं हूं मैं अरे गिरना और उठना तो आदत है मेरी जो पल भर में टूट कर खो जाए वो सितारा नहीं हूं मैं बेशक हार हुई है मेरी पर अभी हारा नहीं हूं लग जाइए विधानसभा में और बिल्कुल जो 30 आपका बच गया है जो मन में फड़ास बच गई है वो विधानसभा में टारगेट कीजिए और विधानसभा के जो सीटों को टारगेट कीजिए और अपना जो मेहनत कसर रह गया है उसको वहां दिखाइए हमारी शुभकामनाएं और किसी पर कोई टिकना टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करेंगे और यदि कोई करते हैं उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है इस बात को हम क्लियर कहना चाहेंगे।